डिस्ट्रिक्ट राजौरी के नौशहरा सेक्टर कलावागढ़ की बात की जाए तो सीमावर्ती इलाका है, वहां पर हमारे आर्मी जवान जो है वहां तैनात थे और एक ब्लास्ट हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषि कुमार और सिपाही मंजीत सिंह जो कि शहीद हुए और एक सिपाही जो है इस समय क्रिटिकल कंडीशन में है। डाक बंगलो राजौरी में आज होम्योपैथिक डॉक्टरों ने मीडिया से की बात और रखी अपनी बातें सरकार के सामने। जो आप यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए, हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है, हम होम्योपैथिक साइड से हैं। होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष में आती है, आयुष में आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी आती है। होम्योपैथी 200 साल पुरानी एक ऐसी साइंस है जो तकरीबन 50 मुल्कों में अभी काम कर रही है। पिछले दौरान जितनी महामारी हुई है होम्योपैथी की तरफ से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया है। वो हमारे हिंदुस्तान में होम्योपैथी को काफ़ी अर्सा से होम्योपैथिक साइंस जो है इंडिया में आई है। पहले हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री थी वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी। अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन चेंज करके उन्होंने आयुष रख दी है। आयुष में क्योंकि आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी सबको बराबर इंसाफ मिले, हर जगह एक ऐसी पैथी है, ऐसी साइंस है, रूरल एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, हर इलाके में होम्योपैथी का लाभ लोग उठा सके। बाकी मैं डॉक्टर सानिया से बोलूँगा कि ये आपको ब्रीफ करेंगी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि होम्योपैथी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पैथी है जो लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा J&K UT की बात करूं अगर, तो J&K में 2003 में होम्योपैथी आई थी, तब से लेके अभी तक 18 साल हो चुके हैं और सिर्फ 50 डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, जबकि हमारे 450 से ज़्यादा डॉक्टर्स रजिस्टर हैं और पिछले 2 साल में कोविड की वजह से बहुत से ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि अगर पर ईयर ये लोग 10 डॉक्टर्स भी अपॉइंट करते तो अभी तक 180 डॉक्टर्स हमारे अपॉइंट हो चुके होते हैं। 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त ओवर एज होने वाले हैं और 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो ओवर एज होकर बैठ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हम लोग ओवर एज होने वाले एटलीस्ट हमारी तो सुने। दूसरी चीज़ ये कि एलोपैथी हो गई, यूनानी हो गई, आयुर्वेदा हो गई और होम्योपैथी होगी, सबको इक्वल ग्रेड्स दिए गए हैं, इक्वल ग्रेड्स में रखा गया है। लेकिन जब जॉब्स की बात आती है तो सिर्फ होम्योपैथी को निग्लेक्ट करते हैं, एलोपैथी यूनानी या आयुर्वेदा की ही वैकेंसीज निकलती हैं। किसी भी आप PSC में चले जाएं, PSC में हर साल आयुर्वेदा यूनानी और एलोपैथी की वैकेंसीज तो आ रही हैं, बट होम्योपैथी को वहाँ भी निग्लेक्ट किया जा रहा है। हमें PSC में हर साल वैकेंसीज निकलनी चाहिए ताकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं कॉम्पिटिटिव में अपीयर होकर अच्छे से अपॉइंट हो सकें। उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं, नेशनल आयुष मिशन आयुष्मान भारत लॉन्च की गई और नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, उसमें आयुष को पूरे के पूरे आयुष को रखा गया था, आयुर्वेदा यूनानी योगा सिद्धा और होम्योपैथी को, लेकिन होम्योपैथी को उसमें भी निग्लेक्ट किया गया। अगर आप आयुर्वेदा डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, अगर आप यूनानी डॉक्टर्स को अपॉइंट करें तो आप होम्योपैथ्स को क्यों अपॉइंट नहीं कर रहे? मिनिस्ट्री ने तो बहुत सी स्कीम्स हमारे लिए निकाली हैं बट वो सिर्फ के सिर्फ कागजों में ही रह गई हैं, ग्राउंड लेवल पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो दो मेडिसिन को प्रमोट कर रही है, एक अल्टरनेटिव मेडिसिन और एक इंडिजीनियस मेडिसिन। तो क्योंकि होम्योपैथिक की हिस्ट्री बहुत पुरानी है हमारे इंडिया में, तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष में होम्योपैथी को लाया है तो जितना हक और अधिकार बाकी मेडिसिन को मिल रहा है उतना ही हक अधिकार होम्योपैथी को मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप एक मेडिसिन से गाँव जाके अगर किसी भी क्योर करोगे तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। डोगरा फ्रंट ने आज महबूबा मुफ्ती के बयानों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि जो भी भारत के खिलाफ बात करेगा उसको जेल में डाल देना चाहिए। मिर्ची क्यों, मिर्ची क्यों, मिर्ची क्यों, मिर्ची क्यों, यूपीए लगाने पर महबूबा मुफ्ती को, मिर्ची क्यों, मिर्ची क्यों, मिर्ची क्यों, मिर्ची क्यों, मिर्ची क्यों, मिर्ची क्यों, यूपीए लगाने पर महबूबा मुफ्ती को, मिर्ची क्यों, यो महबूबा मुफ्ती को क्रिकेट मैच पर जब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हिंदुस्तान के अंदर बैठ करके,
स्कीम के अंदर और श्रीनगर अस्पताल के अंदर हॉस्टल के अंदर जब नारे लगाए गए तो तब श्रीनगर के लीडर जो है उनके समर्थन के अंदर बोल रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। अगर यूएपीए पहली बार उन डॉक्टरों पर लगा है जो काले डॉक्टर आर्मी के अंदर भी लग सकते हैं, कहते हैं ऊपर अल्लाह नीचे डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर का निर्माण जो पाकिस्तानी नारों के अंदर शामिल है, जो डॉक्टर हिंदुस्तान का मैच होता है हिंदुस्तान हार जाता है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। आज सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, आज भाईचारे को समाप्त करने की बात नहीं है, आज सवाल हिंदू और पाकिस्तान का है। आज सवाल वो 80,000 लोग, 4 जंगें, आज उनके साथ इंसाफ करने की बारी आ गई है। वो 4 जंगें जिसमें 80,000 हिंदुस्तानी मारा गया और 90,000 हमने कैदी बनाए पाकिस्तान के, और फिर ऊपर बैठे हुए सियासतदानों ने उन 90,000 कैदियों को छोड़ दिया, लेकिन 80,000 हिंदुस्तानी मारा गया। आज उसका बदला लेने की बात है, और उस बदले के अंदर महबूबा मुफ्ती, एक्स चीफ मिनिस्टर और कुछ और भी लोग, उनको बड़ी मिर्ची लग रही है। ये तस्वीरें गोयला टंकराल एरिए की हैं। देखिए एक मकान किस तरह से आग की लपेट में पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घर के मालिक फारूक अहमद ने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई कि मुझ गरीब को इस पर रिलीफ दी जाए। सिर्फ का क्या क्या वजह गए मकान अचानक हो रात में। अच्छा तो मर ये को सॉरी इतना आत्म तो ज्यादा को सॉरी दे तमाम ज्यादा तोर कमरे जो आई। अच्छा चलो भाई आधाने से बनो सुन बनो जान जो फुट मो जरूर सुन फुट मो। अच्छा अच्छा सुन जरूर सुन गुम फुट जान फुट आधाने से जान बनाए हम जाए चांद कर कर बनाए हम जाए। अच्छा ये को हम जैसे बाचन तो वहां वक्त वहां क्या छ तो चाहन तहसीलदार सब डीसी सब हो गया। फारूक अहमद जो कि एक नहायत ही गरीब है, इसलिए हमारी ज़िला इंतज़ामिया डीसी साहब डोडा, एसडीएम साहब ठाठरी, अतर अमीन जरगर साहब, तहसीलदार साहब कहरा से हमारी मोदबाना गुजारिश है कि इस साइल की भरपूर मदद की जाए, क्योंकि चूँकि नहायत ही गरीब है और आगे सर्दी का भी मौसम है, क्योंकि इस साल सर्दी कुछ ज़्यादा है, इसलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि इसके रहन सहन का, खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पत्नीटॉप करलाम मंदिर से गोरीकुंड तक मात्र 5 किलोमीटर रोड अगर बनकर तैयार हो जाए तो पत्नीटॉप में घूमने आने वाले जो भी सैलानी हैं वो कर सकते हैं दर्शन शुद्ध महादेव मंदिर। गोरीकुंड के दर्शन पत्नीटॉप नंथा टॉप में भी बड़े की पर्यटकों की संख्या। विशाल मेगामार्ट
जम्मू की बात करें तो सीज किया गया जेएमसी जम्मू की तरफ से ऑपोजिट विकास लाइन के सामने। किक बॉक्सिंग चैंपियन 12 साल की ताजमहल उल इस्लाम ने दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता। ताजमहल उल इस्लाम आर्मी गुडविल स्कूल की छात्रा है। देखिए किस तरह से वहां पर उनका स्वागत किया गया और उन्होंने कहा कि इतना स्वागत, और खासकर अगर बात करें तो ये क्रेडिट हमारे स्कूल को, हमारे अध्यापक और हमारे परिवार को भी जाता है जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर एक नई दिशा दिखाई। ऑब्वियसली सर यू कैन, बिकॉज मेरे पीछे जिनका भी हाथ है पहले तो क्रेडिट उन सबको जाता है। एंड थैंक्स पहले तो मीडिया को कि आप अपना प्रेशियस टाइम निकाल के यहाँ पे आए मेरे लिए, थैंक यू सो मच। एंड ह्यूज थैंक्स गोल्स टू मेरी प्रिंसिपल मैम को, क्योंकि हमेशा साथ रहती है, मेरे टीचर्स एंड माई स्कूल, मेरी फैमिली, पापा, हमारे हैदरसपोर्ट्स अकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि सुबह से वो यहाँ पे, मैं सुन रही हूँ कि सुबह से तैयारी चल रही है। फिरोज सर, मुजफ्फर सर जो कोच से, वो हमेशा तैयारी करते आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, हमेशा वो मेरे लिए रेडी रहते हैं, हमारे एकेडमी को सपोर्ट करना चाहते हैं आगे भी। सो आई होप जितनी भी यहाँ पे मेरे लिए, यू नो, फॉर वेलकमिंग मी, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। खुर्शीद सर हो, कोई भी क्यों ना हो, हमेशा रेडी रहते हैं। एंड इस बारी भी हार्डवर्क मैंने स्ट्रगल करा, हार्डवर्क करा, तो कैंप में वही हार्डवर्क चलता रहा ताकि मैं आगे बढ़ूँ, आगे और जाऊँ, और सबकी दुआओं की वजह से। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। सर पहली फाइट मेरी दो फाइट्स इजिप्ट के साथ हुई, क्योंकि वेट कैटेगरी में जो इजिप्ट की पार्टिसिपेशन थी बहुत ज़्यादा थी, सो हम कहेंगे कि पूरा जो स्टेडियम था वो उनके पेरेंट्स, इजिप्ट की पार्टिसिपेशन वो तो उन्हीं का था 50%। 18 से 20 लाख सोना और कैश की चोरी बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कश्मीर, एक सुनार की दुकान पे। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, हमारी ये शॉप है अजिस मैन मार्केट में, अपोजिट ईदगाह प्रिंस ऑर्नामेंट्स। कल जो ही हम सर नमाज़ पढ़ने, जुमा की नमाज़ पढ़ने गए इधर नागराज मस्जिद में, तो हमने नमाज़ पढ़ी, 1:32 पर हम निकले और फिर हम उधर से ही खाना खाने के लिए गए, मेरे पापा और मैं, तो खाना खा के हम वापस आए, 3 बजे हम वापस आए नमाज़ पढ़ के और खाना खा के हम वापस आए सर। तो जो ही हमने देखा यहाँ पर लॉक भी तोड़ दिया गया था दरवाजे का, और जो लॉकर होता है इसको भी तोड़ दिया गया था, जितना भी सोना था उन्होंने, चोरों ने चुरा लिया था, लगभग 18 से 20 लाख रुपए का सोना सर उन्होंने चुरा लिया था।
यहाँ पर SHO साहब जो हमारे एडजस्ट के हैं वो भी आए थे यहाँ पर, और उनने बांडीपोरा से कोई टीम मंगवाई थी, उनने भी यहाँ पर सर्च किया और फिंगरप्रिंट्स कुछ उठाए यहाँ से, तो उन्होंने भी FIR दर्ज किया है इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन से यही और SSP साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़े, क्योंकि ये तो छोटी चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी चोरी है। आज को इनने दिन दहाड़े ऐसी चोरी की, ये रात को क्या क्या कर सकते हैं। लगभग सर 18 से 20 लाख रुपये का सोना चोरी हो गया है यहाँ से। म्यूजिकल कार्निवल विद मोहित चौहान इन जम्मू ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म एंड डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। एडिशनल DC राजौरी पवन प्यार ने ली एक रिव्यू मीटिंग दिवाली के त्योहार को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का शुभ पर्व जो है वो 4 तारीख को आ रहा है, तो इसी सिलसिले में आज जो है हमने सारे ऑफिसर्स, जितनी भी सारी एसोसिएशंस हैं हमारे व्यापार मंडल के हैं या सनातन धर्म के हैं या विश्व हिंदू परिषद के, जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ हमारी पुलिस से विनोद जी भी हमारे साथ हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, सारे ऑफिसर्स जो यहाँ आए थे, और इसी चीज़ का हमने जो जायज़ा लिया कि किस तरीके की हमारी तैयारियाँ हैं। खास करके जैसे आप जानते हैं कि इस त्यौहार में जो है फायर क्रैकर्स का भी यूज़ होता, तो उनको कहाँ पर करना है, किस तरीके से करना है, क्या टाइमिंग रहेगी, ये चीज़ें भी डिस्कस हुई। इसके साथ साथ आपको पता है कि मिठाइयों का त्यौहार है, ये मिठाइयाँ बहुत सारी बिकती हैं, तो उन पे भी जो है किस तरीके से रेगुलाइज किया जाए ताकि कोई ऐसी चीज़ जो है बाज़ार में या लोग जो हैं उसको ना लेके जाएं जिससे वो बीमार पड़ जाएं। तो हमारी जो है एक बार फिर मैं रजौरी वासियों को तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जो एडवांस में देना चाहता हूँ, और ये अपील करना चाहता हूँ कि कोविड जो है अभी उसका खतरा टला नहीं है, तो उसको देखते हुए मास्क पहन के डिस्टेंसिंग करके जो है ये त्यौहार जो है बड़े जोश व खरोश से मनाएं। एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है और ये सबके घरों में जो है बहुत सारी लक्ष्मी, ढेर सारी खुशियां जो हैं इस पर्व पे आएँ। सर, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट की ये भी तो जो है कि पोल्यूशन जो है कम हो, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो पटाखे वगैरह हैं उन्हें कम जलाकर। देखें, मेरी तो ये अपील रहेगी क्योंकि मैं एनवायरनमेंट का जो है एक खुद भी जो है एनवायरनमेंट की केयर करने वाला हूं, तो मेरा तो ये रहता है कि बहुत मिनिमम जो है फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ अगर थोड़ा बहुत करना भी चाहें तो वो भी 100% जो ऐसे क्रैकर्स हैं जिससे पोल्यूशन जो है मिनिमम फैलता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे जो फायर क्रैकर्स अवेलेबल होते हैं, तो उनको जो है यूज़ करें ताकि जो है हम अपने रजौरी को और अपने पर्यावरण को बचाएं जो बहुत तेज़ी से जो है डिप्लीट होता जा रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस इस तरह दिए वगैरह पे होता है, क्या मानते हैं कि उन लोगों से भी हमें खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि उनका डिपेंडेंस। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है दीपावली का त्यौहार, जैसे आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो है दीयू का बहुत इस्तेमाल होता था और उसके बगैर शुद्धिकरण भी नहीं होता है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो भी लोकल लोग जो हैं इस व्यापार से जुड़े हैं उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए, और उनसे ही, और ख़ास करके हमारे जितने भी NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोकल मेड मटेरियल है तो उसका मैक्सिमम जो हम इस्तेमाल करें ताकि उन लोगों की भी रोटी रोजी चल सके। आ रहा है कि जो हमारी सीमा मोड़ से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो रोड है उसकी कंडीशन जो है बड़ी वर्स्ट है,
तो यहाँ पर बड़े अच्छे ऑफिसर्स जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री राजेश कुमार श्यामन जी, उनकी क्यादत में जितनी भी ऑफिसर्स की टीम है दिन और रात वो बढ़िया काम कर रही है। हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के डीसी साहब से कि ये जो यूनिवर्सिटी की मोड़ है या यूनिवर्सिटी की जो रोड है उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर जाती हैं, उनको काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उस तरफ पूरी नज़र दी जाए, हमें आशा है कि डीसी साहब इस रोड की तरफ पूरा ध्यान देंगे। जो भी एजेंसीज इसको देख रही हैं वो जल्द से जल्द जहाँ भी रुकावट आ रही है उसको कम्प्लीट करने में पूरा प्रयास करें। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें राजौरी से थन्ना मंडी जाने वाली रोड की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से आए दिन अप डाउन करने वाले लोग किस तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं।